नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल canthroinstitute.com पर। तो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट है इन्हीं भी जाने, इसके अंतर्गत देखते हैं उत्तराखंड का एक शॉर्ट रिविजन। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल, तो उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। देश के कुल क्षेत्रफल का, तो देश के कुल क्षेत्रफल यानी कि देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इसके कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो यह है 1.69%। ठीक है, कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग यानी कि उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल यानी कि 53,483 वर्ग किलोमीटर का कितना प्रतिशत पर्वतीय भाग है? तो यह 86.07%। राज्य के कुल क्षेत्रफल का मैदानी भाग, तो 100% में से 86.07% घटाएंगे तो 13.93% वो आ जाएगा हमारा पर्वतीय, सॉरी मैदानी क्षेत्र। बात करें राज्य में गढ़मंडल, तो ये सिंपली है, दो मंडल सभी को पता है, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल में कितने जिले हैं? 7 जिले हैं, कुमाऊं में 6 जिले हैं। राज्य में कुल जिले, तो राज्य में कुल जिले 13 जिले हैं। ठीक है, अभी 4 जिले वैसे प्रस्तावित हैं, तो अभी फिलहाल 13 जिले हैं। गढ़वाल मंडल का मंडल का गठन, तो गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1969 में, और इसका मुख्यालय पौड़ी में। कहाँ पर है? पौड़ी में। कुमाऊं मंडल का गठन, तो कुमाऊं मंडल का गठन 1854 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नैनीताल में। राज्य में विधानसभा सीटें, तो ये 70 विधानसभा सीटें हैं। कितनी हैं? 70 विधानसभा सीटें हैं, 70 विधानसभा सीटें हैं। आरक्षित सीटें, तो आरक्षित सीटें 15 हैं, और अनुसूचित जाति सीट यानी शेड्यूल्ड कास्ट 13 सीट है, और अनुसूचित जनजाति ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ये है 2 सीटें। नेक्स्ट हमारा सर्वाधिक विधानसभा सीट, तो सर्वाधिक विधानसभा सीट है हरिद्वार में, जो कि 11 है। कितनी है? 11 है। सबसे कम विधानसभा सीट, तो सबसे कम विधानसभा सीट चंपावत और बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में, जहाँ में 2-2 विधानसभा सीटें हैं। राज्य में कुल ब्लॉक, तो 95 ब्लॉक हैं। सर्वाधिक विकासखंड, तो पौड़ी में है। कितने हैं? 15 हैं। सबसे कम ब्लॉक बागेश्वर रुद्रप्रयाग में 3-3 हैं। राज्य के गठन की बात करें, तो राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। और राज्य, देश में राज्य की स्थिति, देश में राज्य की स्थिति, तो उत्तर पश्चिम में स्थिति है। राज्य की हिमालय में स्थिति, तो पश्चिम मध्य हिमालय। राज्य का आकार, तो राज्य का आकार आयताकार है, रिक्टेंगल है। ये क्या है? रिक्टेंगल ऐसे करके है। ठीक है, अक्षांश स्थिति की बात करें, तो 28 डिग्री 43 मिनट उत्तर से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और देशांतर विस्तार की बात करें, तो 77 डिग्री 34 मिनट पूर्व से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर। राज्य की लंबाई, तो राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम में 358 किलोमीटर, और राज्य की चौड़ाई, तो उत्तर से दक्षिण 320 किलोमीटर। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, तो राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तर में तिब्बत, चीन और एवं पूर्व में नेपाल। तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड का एक शॉर्ट रिविज़न के अंतर्गत इन्हें भी जाने का एक पॉइंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।